छात्रों, आज हम कक्षा दसवीं में विज्ञान विषय में अध्याय 12 विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत को इंग्लिश में हम करंट भी बोल सकते हैं, विद्युत धारा, विद्युत। ये हमारे विद्युत हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े कारखाने हमारे दैनिक जीवन में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ में। तो विद्युत धारा, करंट, विद्युत धारा जहाँ भी बहती है, तो जिस मार्ग से बहती है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत परिपथ। जिस प्रकार आपने देखा है कि जो पानी होता है, क्या होता है, पानी हमेशा ऊंचे तल से पानी को हमें बहाना है तो हमेशा उसका तल ऊंचे से नीचे रहेगा। यदि एक समतल स्थान पर पानी रहेगा वो थोड़ा हिलेगा लेकिन ऊपर से नीचे नहीं होगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि जो विद्युत धारा को हम एक तार में से प्रवाहित करते हैं, तार मतलब सुचालक पदार्थ, जब हम तार में से प्रवाहित होते हैं करते हैं तो वास्तव में उसको बहने के लिए वहां पर भी एक दबाव, एक बल में अंतर होना चाहिए। तो वो शब्द यहाँ पर हम उपयोग लाते हैं विभव, उनके विभव में अंतर होना चाहिए। यदि एक एक जगह का एक बिंदु का विभव ज्यादा है और एक बिंदु का विभव कम है तो धारा हमेशा ज्यादा विभव वाले स्थान से निम्न विभव वाले स्थान की ओर बहेगी। तो किसी भी विद्युत धारा के बंद परिपथ, धारा के सतत, यहाँ पर हम एक शब्द और जोड़ सकते हैं, सतत। सतत मतलब लगातार, सतत मतलब लगातार। धारा के सतत बंद पथ को क्या बोलेंगे, विद्युत परिपथ। इस तार है, मान लो ये ए बी एक तार है, हमें से इसमें से विद्युत धारा बहाना है तो हमें एक स्रोत की भी आवश्यकता होगी। तो जो ए बिंदु का जो विभव है वो कैसा होना चाहिए, उच्च, कैसा होना चाहिए, उच्च विभव होना चाहिए। और यहाँ का विभव कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। तो धारा ये ए से कहाँ जाएगी, बी की ओर जाएगी। तो एक बंद मार्ग होना चाहिए। यदि मान लो तार बीच में से कहीं टूट गया, मार्ग खंडित हो गया, तो वो उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार ये विद्युत परिपथ मार्ग कहलाता है। और एक देखना, एक विद्युत परिपथ का एक चित्र भी बना हुआ है। अब इसमें से जो करंट बहता है तो विद्युत धारा कहते हैं उसको हम। तो विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो ये जो विद्युत धारा है इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं आई से, आई बराबर क्यू बटे टी। तो आई यहाँ पर क्या है, विद्युत धारा, क्या है ये, विद्युत धारा है आई। और यहाँ पर Q, Q एक है विद्युत आवेश। आवेश और T है यहाँ पर समय। अब ये आवेश क्या है, आपने परमाणु की संरचना में पढ़ा हुआ है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन किसी चालक में पाए जाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी चालक में नहीं पाए जाते हैं, सभी पदार्थों के जो सबसे सूक्ष्म कण है परमाणु सभी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये चालक के इलेक्ट्रॉन वास्तव में गति कर रहे हैं। तो अब गति कैसे करते हैं, हम उसको एक हमें बल देना पड़ता है गति करने के लिए। देखना आप, ये एक परिपथ बना हुआ है, एक साधारण परिपथ है। मान लो यहाँ पर एक ये बल्ब लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एक बल्ब। और ये जो लगी हुई है यह है बैटरी,
ये क्या है? बैटरी लगी हुई है। अब बैटरी मतलब ये होता है एक सेल, इसको हम एक को क्या बोलते हैं? सेल। और यदि मान लो एक से ज्यादा सेल है तो हम उसको क्या बोलते हैं? देखिए, ये एक सेल हो गया, दूसरा सेल ये हो गया, और तीसरा सेल ये हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं, ये सेल का संकेत होता है कि उसका जो धन वाला चिन्ह है उसको हम लंबी लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जो छोटी लाइन है उसको हम ऋण सिरे से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, तीन सेल बनाकर हमने क्या बना ली है? एक बैटरी बना सकते हैं। यहाँ पर दो सेल लगे हुए हैं, धन, और ये लंबा हिस्सा क्या कहलाएगा? धन, और ये छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? ऋण। तो इस प्रकार ये बैटरी द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। ये देखिए, हमेशा विद्युत धारा धन सिरे से निकलेगी। देखिए ये एरो क्या बतला रहा है? धन सिरा। इस प्रकार ये जब जैसी धारा निकलती है तो एक बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब क्या होने लगता है? रोशनी देने लगता है। अब विद्युत धारा कितनी बह रही है इस परिपथ में, तो हम एक अमीटर होता है जो विद्युत धारा को क्या करता है? नापता है। इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए, यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है। ये क्या लगी हुई है? कुंजी। कुंजी मतलब ये एक प्रकार का स्विच है, यदि हम इसको प्लग लगा देते हैं तो ये परिपथ पूरा क्या हो गया? बंद हो गया। और यहाँ का ये निकाल देते हैं तो परिपथ बीच में टूट जाता है। इसको हम बोलते हैं खुला परिपथ। खुले परिपथ में विद्युत धारा नहीं बहेगी। तो इस प्रकार विद्युत आवेश की जो प्रवाह की दर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। और जो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। अब यहाँ पर आप देखेंगे आवेश। आवेश तुम्हें मालूम है, प्रत्येक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ई माने इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है। और जो आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम है, और इसे हम सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे एक परिपथ हमने बताया था कि एक ये परिपथ है, ये सेल लगा हुआ है धन, और ये ऋण। तो इसमें से धन सिरे से विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो ये इलेक्ट्रॉन परिपथ में क्या करते हैं? गति करते हैं। लेकिन सेल के अंदर होता है कि जो विद्युत धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। जैसे विद्युत धारा धन सिरे से जा रही है, लेकिन सेल के अंदर उल्टा होगा। इलेक्ट्रॉन धन सिरे से कहाँ जाएंगे? ऋण सिरे की ओर जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आवेश, कौन सा आवेश? पहले इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो पहले आवेश में हम प्रोटॉन धन आवेश को मानते थे, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो हमने पता किया कि इलेक्ट्रॉन ही प्रत्येक पदार्थ, चालक पदार्थ में गति करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उसके प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बह रही है। खाली एक तार ले लीजिए, आप तांबे का तार ले लीजिए, कोई भी सुचालक का, उसमें से आपको विद्युत धारा नहीं बहेगी। उसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन गति, ये तार लिए और इसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये गति नहीं करेंगे। इनको गति करने के लिए इनके इनमें विभव में अंतर होना जरूरी है, एक विशेष प्रकार का दाब लगना जरूरी है। और ये दाब हम सेल के द्वारा, किसके द्वारा? एक सेल या बैटरी के द्वारा हम से उत्पन्न करवाते हैं। तो आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम है, और एक कूलाम आवेश में
इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उनकी संख्या होती है छह गुणित 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अब हमने पहले विद्युत धारा पढ़ा कि आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा का SI मात्रक, एम्पियर है। तो ये यहाँ पर हम सूत्र लिख सकते हैं, I बराबर Q बटे T। तो I मतलब विद्युत धारा, इसका मात्रक क्या है, एम्पियर। अब हम पढ़ेंगे एक एम्पियर की परिभाषा। एक एम्पियर क्या है, जब किसी भी परिपथ में, कोई भी परिपथ हो, एक कूलाम आवेश, कितना, एक कूलाम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है। एक कूलाम आवेश समय क्या रहेगा, 1 सेकंड। तो हम उसको बोलेंगे एक एम्पियर। ये बहुत IMP परिभाषा है, एक एम्पियर। तो कोई भी चालक में जब हम एक कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक प्रवाहित करेंगे तो वो कहलाएगा, विद्युत धारा को हम क्या कह सकते हैं, एक एम्पियर। और हम विद्युत धारा को नापते हैं अमीटर से, और इस अमीटर को हम ए से प्रदर्शित करते हैं। इसको किसी भी परिपथ में, क्या यहां लिखूं, हाँ, हम परिपथ में अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में लगाएंगे, और इसमें भी, अमीटर में भी एक सिरा धन होता है और एक सिरा ऋण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्युत धारा को हम एमीटर में नामक यंत्र से नापते हैं। यहाँ पर छात्र लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, धारा का मात्रक एम्पियर है और धारा नापने का यंत्र है जो, वो है अमीटर। अब हम विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत विभव क्या है, जिससे जिसके जिसमें अंतर होने से ही विद्युत धारा क्या होती है, हम प्रवाहित होती है। अब विद्युत विभव एक हमने मतलब एक कल्पना करके बना लेते हैं कि मान लो ये एक विद्युतीय क्षेत्र है, और विद्युतीय क्षेत्र में मान लो ये एक बिंदु है ए, और हमें ये भी विद्युतीय क्षेत्र है, ये बी बिंदु है। तो हमें एकांक धनावेश को ए से कहाँ लाना है, बी पर लाना है, एकांक धनावेश को ए से। तो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में हम एकांक आवेश को ए से बी तक लाएंगे, तो यहां से लाने में जितना कार्य होगा वो कार्य उस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। क्या कहलाएगा, विद्युत विभव। ये देखिए, ये यहां पर ए बिंदु पर एक हमने एकांक अकेला धनावेश, एकांक धनावेश रखते हैं, तो ये कहलाता है विभव। और जो विभव का मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, इसे हम वी से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं वी बराबर क्यू बटे टी। इस प्रकार ये विभव को
जो होता है, या इसका एक रूप और भी लिख सकते हैं कि जितना कार्य होता है, ये आप हटा दीजिए, वी बराबर कार्य। कार्य मतलब वर्क, उसको हम वर्क से डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। तो इस प्रकार, और किसको ला रहे हैं हम, आवेश को ला रहे हैं, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये आप गलत है। तो इस प्रकार बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, ये एकांक आवेश को हमने एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाए, तो जितना कार होगा, डब्ल्यू मतलब कार, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार ये मात्रक भी देख सकते हो, कार का मात्रक है जूल, आवेश का मात्रक है कूलाम, और ये वी का मात्रक होता है वोल्ट। वी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब किसी एक कूलाम आवेश को यहां तक लाने में मान लो एक जूल कार्य करना पड़ता है, तब वो कहलाता है मात्रक एक वोल्ट। अब हम अगला शब्द आता है हमारे विद्युत में, विभवांतर। नाम से ही समझ में आ रहा है, विभव में अंतर। तो किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में मान लो एक तार है, यहाँ पर पूरा सेल लगा हुआ है, ये ए स्थान और ये बी स्थान। तो इस प्रकार हम देखते हैं ए और बी के बीच में विभव में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो ए और बी के बीच विभव का अंतर, धारा मान लो ए से बी की ओर जा रही है, इसका मतलब है ए का विभव उच्च है और बी का विभव क्या है, निम्न है। तो इनके बीच का जो अंतर होगा विभव में, वो कहलाएगा विभवांतर। विभवांतर का जो मात्रक है वो भी क्या है, वोल्ट है। विभव का मात्रक भी वोल्ट है और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट है। एक वोल्ट की परिभाषा मैंने अभी पहले समझाई हुई थी कि एक वोल्ट बराबर कार्य होता है ए जूल, और कितना आवेश, एक कूलाम आवेश प्रभावित होता है। तो उस समय दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कहलाएगा, एक वोल्ट। और हम जो वोल्ट विभव और विभवांतर को जिस भी यंत्र से हम नापते हैं, उस यंत्र का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है उसका, वोल्ट मीटर। और इसको हम इस प्रकार वी, इस उपकरण को वी अक्षर से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने पढ़ा अमीटर, वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा क्या है इसके बारे में पढ़ा। विद्युत धारा का जो मात्रक है, एसआई मात्रक है, वो है एम्पियर। क्या है, एम्पियर। अब इस पार्ट में ये है कि विद्युत विभव ये एवं है, एवं आवेश का क्या बताइए, मात्रक बताइए। अच्छा, एक है 6 वोल्ट की एक बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। सरल सा गणित है, इसका हम हिंट दे देते हैं आपको। तो आपने देखा था कि V बराबर W बटे Q, तो ये हिंट है कि 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो V की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6 वोल्ट। और हमें कितनी ऊर्जा, आपको मालूम है कार का ये क्या है, कार का मात्र कार्य ऊर्जा के बराबर ही कहलाती है। आपने देखा ना, ऊर्जा की परिभाषा, कार्य करने की क्षमता को ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा। तो W हमें ज्ञात करना है और Q कितना है, एक कूलाम। तो आप इस प्रकार कर सकते हो कि जो कार्य है उसको हम किस में, जूल में नापते हैं, तो ये आएगा 6 जूल। इस प्रकार आप इस छोटे छोटे गणित हल कर सकते हो सूत्र के द्वारा। धन्यवाद।